हेल्थोम के मोहतरम नाज़रीन, जेंटामाइसिन आँख और कान के कतरे, ये ख़ासकर कान के दर्द के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन कतरों का ये फ़ायदा है कि आप इसको आँख में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कान में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है सारा आपको वीडियो में बताऊँगा। पहली दफ़ा चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ घंटी के निशान को दबा दिया करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाया करें। अब ये सबसे अच्छी बात यह है, जेंटामाइसिन जो है, आई एयर जो ड्रॉप्स हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको 39 रुपये में, इससे भी कम कीमत यानी 30 रुपये में मिल जाएंगे। यानी ज़्यादा महंगी दवाई नहीं। अगर आपके कान में कोई इन्फेक्शन है, दर्द हो रहा है, कान में आपको खुश्की महसूस हो रही है या कान में मिसाल के तौर पे आपको सरसराहट महसूस हो रही है, तो जेंटामाइसिन आप किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से लाएँ। लाने के बाद आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर आपको आँखों में मामूली बाज़ दफ़ा होती है ना, जैसे मिट्टी वगैरह चली जाए आँखों में, या जिस तरह हम धूप में फिरते होते हैं, जलन महसूस हो रही, तो इसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा मसला हो तो फिर अपने ENT जो कान नाक और जो है गले, उसके जो डॉक्टर होते हैं, ख़ासकर कान के अगर ज़्यादा आपको इन्फेक्शन हो, इसके लिए आप उसके रब्ता कर सकते हैं। अगर आँख में कुछ ज़्यादा मसला है तो उसके लिए आप आँख के डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं। छोटा थोड़ा बहुत इन्फेक्शन या थोड़ी बहुत जो मामूली मिसाल के तौर पर जो प्रॉब्लम होती है, उसके लिए आप घर में जेंटामाइसिन ला के इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो बनाने का मकसद जस्ट आपको नॉलेज देना है। इससे हम किसी भी किस्म का कोई इलाज आपको नहीं बता रहे हैं। बहरहाल घरेलू बाज़ दफ़ा जिस तरह टोटके के तौर पे आप जेंटामाइसिन जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा खुदा ना खास्ता मसला है तो फिर कान के लिए आप ENT डॉक्टर और आँखों के लिए आई स्पेशलिस्ट से रब्ता करें। इसी के साथ अपने मोहतरम नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आप तमाम से इसी से इजाज़त चाहूँगा।